एमएससी चैप्टर 9 ऑफ क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. आवर चैप्टर 9 इज गोइंग टू बी द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बिफोर स्टार्टिंग आवर चैप्टर लेट मी टेल यू दैट अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डाउनलोड कीजिए इस चैप्टर के नोट्स की पीडीएफ. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी के बारे में हम बात करने वाले हैं. पहली बात तो ये, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ मीन्स ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन से हमारा मतलब क्या है. तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या चीजें देता है. फर्स्ट थिंग इज दैट इट्स टॉक अबाउट बेसिक रूल्स जो किसी कंट्री को चलाने के लिए, किसी डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाने के लिए जरूरी है. इट्स टॉक अबाउट आर कॉन्स्टिट्यूशन फैसिलिटेट्स अस विद पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मीन्स क्या होते हैं. तीसरा, कलेक्टिव डिमांड फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन. बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी चीजें लिखी गई है दे आर फॉर आर डेवलपमेंट, राइट. ये हमारी सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में बात करती है. सो दीज आर कलेक्टिव डिमांड्स. ये मेरी नहीं है फ्रीडम, आप चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ और थर्ड पर्सन भी चाहता है. सो दीज आर कलेक्टिव डिमांड्स विच आर गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन. फोर्थ, ब्रेक द शैकल्स ऑफ ट्रेडिशनल सोशल हायरार्कीज. तो जो हमारी सोशल हायरार्की चलती आ रही थी ट्रेडिशनली इतने सालों से, जो अनटचेबल्स के साथ जो हुआ, जो डिस्क्रिमिनेशन था, जेंडर इनइक्वालिटी थी, वो सब खत्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन आया है. और कॉन्स्टिट्यूशन हमें है, हमें इस लाइक हमारे लिए बनाया गया है. फिफ्थ, टू एम्पावर पीपल. ये लोगों को लिमिट करने के लिए तो है ही, लाइक लोगों की विशेष को, अननेसेसरी विशेष को लिमिट करने के लिए तो है, बट साथ ही साथ लोगों को एम्पावर करने के लिए भी है. अगर कोई आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है, ओके, बट आपको मदद भी चाहिए आगे बढ़ने के लिए. सो दैट्स द रीजन वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अस. नेक्स्ट वी हैव पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किन आइडियाज के बारे में बात करता है, किन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है. फर्स्ट, इंडिविजुअल फ्रीडम. कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर फोकस किया गया है, क्योंकि जब आप फ्री होंगे तो आप आसानी से सोच सकते हैं अपने अच्छे और बुरे के बारे में. दूसरा, सोशल जस्टिस. इट्स टॉक अबाउट सोशल जस्टिस. ये सारे ये जो प्रिंसिपल है ना, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल, बिकॉज जो हमारी पोलिटिकल थ्योरी है उसमें हम ऑलरेडी हर एक टॉपिक को डिटेल वे में डिस्कस कर चुके हैं. रेस्पेक्ट फॉर डायवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट. इज टॉक अबाउट ये जो डायवर्सिटी है इसको खत्म करने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट हमें इसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए एंड हर एक इंडिविजुअल को और इनफैक्ट वी कैन से माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है. फोर्थ, सेक्युलरिज्म, लाइक धर्म निरपेक्षता. हर एक धर्म को आजादी दो, स्वतंत्रता दो कि वो अपना विकास कर सके. सो दिस इज व्हाट इज सेक्युलरिज्म. यू नीड टू रिमेम्बर आर इंडियन सेक्युलरिज्म इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज. जो वेस्टर्न कंट्रीज में जिस सेक्युलर स्टेट के बारे में बात होती है वो इंडिया के सेक्युलर स्टेट से काफी अलग है. फिफ्थ, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, इसके पर फोकस किया गया है. फेडरलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए. सेवेंथ, नेशनल आइडेंटिटी के बारे में बात की गई है. डुअल आइडेंटिटी हमारी कंट्री में नहीं है, वी जस्ट टॉक अबाउट नेशनल आइडेंटिटी. यू आर लिविंग इन इंडिया, यू आर इंडियन, आई एम इंडियन. नेक्स्ट वी हैव क्रिटिसिज्म. अब क्रिटिसिज्म से पहले हमारा ये वाला है प्रोसीजरल अचीवमेंट्स, क्योंकि मैंने इस ऑर्डर में लिखे थे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. सो प्रोसीजरल अचीवमेंट्स क्या है. रेफरेंस नॉट टू सेल्फ इंटरेस्ट बट टू रीजन. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है एक व्यक्ति के इंटरेस्ट की बात नहीं, वैलिड रीजन के साथ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रेफरेंसेस दिए गए हैं. दूसरा, रिफ्लेक्ट स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड एकोमोडेशन. अगर कोई भी प्रोटेस्ट होता है, कोई डेमोन्स्ट्रेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इस तरह की एक्टिविटीज को दबाने की बात नहीं की गई है. वी टॉक अबाउट एकोमोडेशन एंड कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करके, एकोमोडेट करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं. इसी तरीके से एक डेमोक्रेटिक वे में हम रिएक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म. अब कॉन्स्टिट्यूशन को लेके क्या क्रिटिसिज्म है. फर्स्ट, अनवाइडली इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस. वेस्टर्न कंट्रीज कहती हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनवाइडली एक किसके बेसिस पे, अजम्पशन के बेसिस पे है, और ये जो इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है ऐसा होता ही नहीं है. बट इनफैक्ट इफ यू विल सी अदर कंट्रीज लाइक यूएसए, ये भी एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट ही है. यू कैन से कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट ही ये कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है. सो बाकी कंट्रीज है इनके पेजेस में कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब एक कोई किताब नहीं है,
अलग अलग पेजेस में है। तो इस तरह से हमारे यहाँ स्ट्रक्चर्ड वे में कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया है। सो वी से दैट, देखो भाई, एक्सप्लेनेशन आपको हर क्रिटिसिज्म में देना जरूरी है अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए। दूसरा, अनरिप्रेजेंटेटिव, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी तो जिस बेसिस पे मेंबर्स सिलेक्ट किए गए थे वो कम्प्लीटली यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के बेसिस पे तो नहीं था, रेस्ट्रिक्टेड यहाँ पे वोटिंग हुई थी। तो इस तरह से ये एकदम अनरिप्रेजेंटेटिव है क्योंकि उन लोगों ने बनाया जिनको लोगों ने चूज ही नहीं किया था। बट नो, कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक वर्ग की, हर एक माइनॉरिटी की, मेजॉरिटी की, सबकी बात की गई है। सो इट इज नॉट एट ऑल अनरिप्रेजेंटेटिव। थर्ड, वी हैव मैन लिया कॉपी ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपने काफी बार सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, इसको कहा जाता है इट इज जस्ट अ मैडली कॉपी ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को डायरेक्ट छाप दिया। ऐसा नहीं है, हमने हर एक प्रोविजन को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है। अगर हमने वेस्टर्न कंट्री से सेक्युलर वाला आइडिया लिया है तो हमने इंडिया में जो कंडीशन है उसको देखते हुए इसको इम्प्लीमेंट किया और फिर इसको मॉडिफाई किया। अगर हमने सोशल जस्टिस किसी और कंट्री से लिया है तो हमने उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। अगर हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए हैं तो हमने इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई किए। अगर हमने रूल ऑफ लॉ अडॉप्ट किया है यूके से तो इसको हमने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। फंडामेंटल राइट लिए अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। तो हर एक प्रोविजन को, हर एक आर्टिकल को हमने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है। तो हाउ कैन वी से कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ मेरली कॉपी ऑफ अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वी हैव, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, सेंट्रलाइज्ड आइडिया ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। यहाँ पे नेशनल आइडेंटिटी पे बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया है, विच इज लिमिटेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, ग्लॉस्ड ओवर सम इम्पोर्टेंट इश्यूज, कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज पे ही इन्होंने फोकस किया है, बाकी इश्यूज पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर इतना फोकस नहीं किया गया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर जेंडर इनइक्वालिटी कम होगी तभी तो हमारी इगैलिटेरियन सोसाइटी हम फॉर्म कर सकते हैं। थर्ड जो लिमिटेशन है वो है, सोशल इकोनॉमिक राइट्स आर रेलिगेटेड टू सेक्शन ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो जो सोशल इकोनॉमिक राइट्स है जो किसी व्यक्ति को आजादी देते हैं ताकि वो एक सोसाइटी में एग्जिस्ट कर सके, इसको आपने डाल दिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, बल्कि इसको तो होना चाहिए था फंडामेंटल राइट में। तो दीज आर लिमिटेशंस ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। सो हियर वी आर एंडिंग आर वीडियो। आई जस्ट होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम feel free to ask me in comment section. Till the time, don't forget to like this video, share this video, subscribe this channel for more such kind of video content. We'll meet soon in our next video.